हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 20 सितंबर और कल यानी मंडे के दिन से एक नया ट्रेडिंग वीक चालू होने वाला है और 3 बड़े बड़े कंपनी का IPO भी लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये तीनों कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके ऊपर बेस करके पूरा लॉजिक के साथ आपको समझाएंगे कि कौन सा कंपनी की IPO में आपको इन्वेस्ट यानी अप्लाई करना चाहिए तो आपको लिस्टिंग डे पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकेगा। और अगर आप कोई भी शेयर को इन फ्यूचर होल्ड करना चाहते हैं तो इन फ्यूचर में भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। और भी जान लेंगे इस वीडियो से कि ये तीनों कंपनी का अभी ग्रे मार्केट यानी डब्बा बाज़ार पे क्या रेट पे चल रहा है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि इन तीनों IPOs में से जो मेरा फेवरेट है वो है केमकॉन्ग स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड IPO। इसका पीछे का रीज़न भी मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा। जैसे कि ये इसका नाम सुन के आपको पता चल रहा है कि केमिकल सेक्टर का IPO है, स्पेशलिटी केमिकल का। तो दोस्तों, इसका एक बार फाइनेंशियल रिजल्ट भी आप देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारे नंबर मिलियंस में है तो मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। देख सकते हैं 2017 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये प्रॉफिट किया था लगभग 2.8 करोड़। और वही 4 साल बाद 2020 फाइनेंशियल ईयर में वो बढ़ के हो गया 48.8 करोड़। कैन यू इमेजिन, इतना गुना किया है। मतलब हर साल इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं हर एक साल पे यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है। और लास्ट दो मतलब फाइनेंशियल ईयर में तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये IPO सबसे ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि ये स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर काम करता है और स्पेशलिटी केमिकल हर एक सेगमेंट पे यूज़ होता है। आप जैसे देख सकते हैं केमिकल यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ होता है, मशीनरी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है, सब हर एक सेक्टर में केमिकल का काम है। तो ये सेक्टर अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि आपको पता है ये सेक्टर का अभी जो शेयर्स लिस्टिंग है, दीपक नाइट्राइट से लेके एल्कालामाइंस, आरती लिमिटेड, अतुल इंडस्ट्री, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और ये सब शेयर बहुत ही मतलब मल्टी बैगर रिटर्न कमा के जो इन्वेस्टर्स हैं उसको खुश किया है। तो दोस्तों, इसका जो एक ही नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यह इसका इशू साइज। ये इशू साइज बहुत ही छोटा है, 1 करोड़ भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो 93 लाख के आसपास इशू साइज है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अलॉट होने का चांस थोड़ा कम हो सकता है। बट अब बात आती है इसका जो IPO में प्राइस रखा गया 340। अब इसका ग्रे मार्केट जो प्रीमियम चल रहा है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है दोस्तों। 230 के ग्रे मार्केट यानी डब्बा बाज़ार में 230 के प्रीमियम के ऊपर चल रहा है। मतलब अगर ये इसी प्रीमियम के ऊपर लिस्टिंग हुआ तो मतलब 340 यहाँ पे, और जो प्रीमियम पे चल रहा है 230। तो इसका जो लिस्टिंग मुझे एस्टिमेट दिखाई दे रहा है वो है 570। मतलब आपको लगभग 80% की प्रॉफिट मिल जाएगा लिस्टिंग डे पे। अब इसका नेक्स्ट IPO में आता हूँ, जो कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड IPO। इसका जो बिज़नेस है आप देख सकते हैं, ये म्यूचुअल फ़ंड को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे इसका यही बिज़नेस है। तो इसका फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स है वो भी चेक कर लेते हैं। हर एक नंबर ये यहाँ पे भी मिलियंस पे है तो मैं कन्वर्ट करके करोड़ पे कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको शो करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो 2018 मार्च में आया था प्रॉफिट वो है 146 करोड़। उसके बाद 2019 मार्च में वो थोड़ा सा कम हो गया, होके हुआ 130 करोड़ के आसपास। जैसे कि आप देख सकते हो कि तब कोई भी कोरोना वायरस या कुछ प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी इसका रिज़ल्ट थोड़ा नेगेटिव में आया था। और जो 2020 में मार्च के जो प्रॉफिट आया वो है 173 करोड़। तो देख सकते हो यहाँ पे कोई फिक्स मतलब अपसाइड मूवमेंट तो देख रहा है, बट थोड़ा इसमें मुझे यहाँ पे थोड़ा पैरेलल नज़र आ रहा है। मतलब ये जो केमकॉन्ग का IPO है वहाँ पे एकदम क्लियर कट आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है प्रॉफिट का। पहले था 2.5 करोड़, उसके बाद बढ़ बढ़ के दो दो से
26 करोड़ हो गया, उसके बाद 46 करोड़ हो गया, ऐसे बढ़ता रहा कंटिन्यूसली। और इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में जो नंबर आया वो बहुत ही ख़राब आया, क्योंकि चारों तरफ लॉकडाउन की वजह से इसका बिज़नेस भी बंद हुआ था 40 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे मुझे बहुत ना ज़्यादा खास कुछ नज़र नहीं आया केमकॉन्ग आईपीओ की कंपैरिजन से। तो इसका जो इशू प्राइस है आईपीओ का वो है 1230 रुपये। तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है वो है 350 रुपये की, ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, लगभग आप मान सकते हो 25% की प्रीमियम पे चल रहा है। तो अगर ये 350 के प्रीमियम पे लिस्टिंग हुआ लिस्टिंग डे पे, तो इसका जो प्राइस निकल के आएगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, लगभग 1580-1600 के रेंज पे। तो ये हो गया कैम्स का आईपीओ का। अब देख लेते एंजल ब्रोकिंग, जो मुझे बहुत ही मतलब पुअर स्टैंडर्ड लगा एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग, आप सबको पता है एक ब्रोकरेज फर्म है, इसका मतलब खुद का प्लेटफॉर्म है अब ट्रेडिंग का एंजल ब्रोकिंग का। तब इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आप देख लेते हैं, यहाँ पे मिलियंस पे है हर नंबर, इस पर भी मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊँगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2020 और जून क्वार्टर का नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि 18 में जो प्रॉफिट आया था नेट प्रॉफिट वो था 101 करोड़, और 2019 में वो थोड़ा कम होके हो गया 76 करोड़ के आसपास, और 2020 फाइनेंशियल ईयर में उसका जो प्रॉफिट आया 86 करोड़ के आसपास, और जो जून क्वार्टर में उसका प्रॉफिट आया 38 करोड़ के आसपास। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई मतलब इंटरेस्टिंग मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि एट द एंड कंपनी कितने भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी पॉपुलर क्यों ना, आपको प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि एक कंपनी के लिए उसका प्रॉफिट जनरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीन कंपनी में से मुझे केमकॉन्ग का बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगा। तो अब इसका इशू प्राइस भी देख सकते हैं दोस्तों, 306 रुपये का इशू प्राइस है आईपीओ में जो आ रहा है, और इसका जो ग्रे मार्केट में अभी रेट चल रहा है डब्बा बाज़ार में वो है 120 रुपये की प्रीमियम पे चल रहा है, मतलब लगभग 40% की आसपास प्रीमियम में चल रहा है ग्रे मार्केट में। तो अगर ये 120 रुपये की प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हुआ लिस्टिंग, तो उस दिन पे आपको जो प्राइस मिलेगा वो है 400 से 410 रुपीज़ में ये लिस्टिंग हो सकता है, तो आपको लगभग 40 से 45% का लिस्टिंग गेन मिलेगा। तो आप देख ही सकते हैं मैं तीनों कंपनी को कंपेयर करके इसके रिज़ल्ट के ऊपर बेस करके मैं आपको मेरा राय दिया कि आप केमकॉन्ग का जो आईपीओ है इसमें अप्लाई करना अच्छा है, ताकि इस ये कंपनी में आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेन भी मिलेगा, और इन फ्यूचर ये कंपनी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के भी देगा, क्योंकि ये स्पेशलिटी केमिकल का कंपनी है। तो ये कंपनी हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। तो इस कंपनी में एक ही मुश्किल है, प्रॉब्लम है कि इसका जो इशू साइज है वो थोड़ा छोटा है दूसरे दोनों कंपनी के मुकाबले। तो मेरा राय यही रहेगा कि आप चाहे तो वो कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, फाइनल डिसीजन आपका। तो अगर मेरा राय मानोगे तो मैं यहाँ पे केमकॉन्ग को ही आपको प्रेफर करूँगा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसका फाइनेंशियल आप देख सकते हैं रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ही वाइंड अप करूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को एक लाइक करके एनकरेज करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय।